सैमसंग M12 ब्लूटूथ सेटिंग एंड ऑल प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपना जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको ब्लूटूथ सेटिंग भी पता चलेगा और साथ ही साथ में आपका जो प्रॉब्लम्स है ब्लूटूथ का वो भी मैं आपको फिक्स करके बताने वाला हूँ किस तरीके से आप सेटिंग करते हुए प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर देना, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ओपन करेंगे अपना ब्लूटूथ। ठीक है, सेटिंग ओपन करेंगे, उसके बाद हम ब्लूटूथ को ओपन करेंगे। तो कनेक्शन पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ का ऑप्शन, जहाँ से आप इसको इनेबल या फिर डिसेबल करने का ऑप्शन देख सकते हैं, जो कि एक बटन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन स्कैनिंग का है। ठीक है, जहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, उसके साथ में आपको 3 डॉट्स मिल जाएगा। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पर नीचे में देखते हैं पेयर डिवाइस, उसके साथ भी दोस्तों हम क्या क्या कर सकते हैं। पेयर डिवाइस के साथ दोस्तों अगर कोई म्यूज़िक बार है, कोई स्पीकर है, तो उसके लिए आप कॉल्स ऑडियो को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अगर कोई मोबाइल है तो उसको आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ब्लूटूथ टेटरिंग। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद स्कैन पर क्लिक करने के बाद अगर कोई अवेलेबल डिवाइसेस है तो आपको नीचे में दिख जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों हम बात करेंगे 3 डॉट्स के। तो 3 डॉट्स में क्लिक करके एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा सिंक विथ सैमसंग क्लाउड का ऑप्शन, यानी कि आप सिंक कर सकते हैं। ठीक है, सैमसंग क्लाउड के साथ में तो एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड देन रिंगटोन सिंक आपको मिल जाएगा, सारे साथ में ब्लूटूथ कंट्रोल हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस सेटिंग्स इतना है। एंड देन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस करने के लिए आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप्स का ऑप्शन। एंड देन दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा योर ऐप का ऑप्शन, तो साइट में आपको मिलेगा एक डाउन एरो, तो वहाँ पे क्लिक करके शो सिस्टम प्रोसेस क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे में जाइए एंड ब्लूटूथ ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ब्लूटूथ में क्लिक करेंगे आपको स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएगा। एंड देन क्लियर डेटा पर क्लिक करते हुए ओके आपको कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओके करोगे डेटा क्लियर हो जाएगा, परमिशंस इनेबल करना है। परमिशंस इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको बैक करना है, जनरल मैनेजमेंट पे जाना है एंड देन रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करते हुए रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है और मोबाइल पासवर्ड भर देना है। ठीक है, तो इतना कर लेना है अभी के लिए आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर दीजिए और चेक करके देखें, सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कतें आते हैं तो मोबाइल सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर लेना। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका ब्लूटूथ सेटिंग्स एंड देन ब्लूटूथ के रिलेटेड पे कंप्लीट सॉल्यूशंस। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।